समर एक्सपेरिमेंट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। समर एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये है मेरा प्यारा दुलारा गर्मी का साथी कूलर, और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एक साल से ये बंद पड़ा है। तो यार, इसके जो ढक्कन है वो जाम हो चुके हैं, खुल नहीं रहा है। देखो, पूरा कूलर ही हिल गया क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं है। और फ्रेंड्स, मैंने दो बंदों को बुला के जब जाकर इसका ढक्कन ओपन किया, तो आप देख सकते हैं अब मैंने इसको ओपन कर दिया। अब मैं आपको सिर्फ एक थंब से, यार मैं एक ही अंगूठे से इसका ओपन करके दिखा दूंगा। तो काफ़ी ताकत है मेरे अंदर, आप देख सकते हो। तो ये लगता ही बुरा बन गया। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये अंदर का इसका कुछ खूबसूरत नज़ारा है, जो कि जारवा लग रहे हैं। क्या डेकोरेशन हुई है इसके अंदर एक साल के अंदर ऑटोमेटिकली। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो, ये वाला मोटर हमारा टारगेट है। अब यार, आपको मार्केट से तो नहीं लेकर आना है ये, जो आपके पास कूलर पड़ा हो, पुराना हो। तो अब मम्मी पापा से बच के काम करिएगा फ्रेंड्स, ने बहुत मारेंगे। मैंने भी मम्मी पापा से बच के किया है, वापस इसे यूज़ करके मैं ऐसे इसके अंदर लगा दूंगा। क्योंकि दोस्तों, हमें फ्री में काम करना है, तो हमें ये चाहिएगा। इसका सॉकेट भी चाहिएगा जो पाइप में लग रहा है। और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, थोड़ी सी मेरे से थोड़ी सी ख़राब है। तो आप देख सकते हो, ये इसका हमने निकाल लिया है। और अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, आधे इंची का पाइप है। ये जो कैप है, सॉरी, ये कवर है जो हमने पैन यूज़ करते हैं, तो थोड़ा लूज़ है ये। तो लूज़ को टाइट करने के लिए दोस्तों, हमने टेप ले लिया है। आप कोई सी भी टेप ले सकते हो, काली टेप ले सकते हो, जो पीवीसी टेप होती है। तो इसको मैं लगा के यहाँ पे इसे फिक्स कर दूंगा। दोस्तों, इसके अंदर जब हमने टेप लगाई, उसका एक बेनिफिट होगा कि आप इसे मोटर को रियूज़ कर सकते हो, मोटर को दोबारा कूलर के अंदर रख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपने गलती से स्टड ग्लू, फेविकोल या कुछ भी ऐसे लगा दिया ग्लू, तो आपका पाइप खराब हो सकता है। और अगर आपको मम्मी पापा को पता लग गया, तो पिटाई आपकी भी होगी, मेरी भी होगी। तो प्लीज़, मेरा नाम तो बिल्कुल मत लीजिएगा कि भैया समर एक्सपेरिमेंट्स करने पर हमने किया है। तो प्लीज़ भैया, मुझे तो बख्श देना। और पानी ले आया, आप देख सकते हो, अब पानी के अंदर मैं इसे डालूंगा। दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, खास बात ध्यान रखना आपको, ये जो मैंने देखिए प्लग लगाया अलग से, यहाँ पर अच्छे से टेप लगा देनी है। करंट यहीं से आ सकता है, बाकी मोटर के अंदर करंट नहीं आता, ध्यान रहे। या अगर कुछ शॉर्टिंग हो तो अलग बात है, वरना ये करंट नहीं मारता। और आप देख सकते, मैं इसके अंदर डाल दिया ये। और अब मैं इसका प्रेशर टेस्ट कराता हूँ। तो प्रेशर फ्रेंड्स ठीक है, ठीक ठाक है, इतना हार्ड मैं बताऊँगा, इतना तेज नहीं है। तो मैं लगाता हूँ, अब मैं आपको इसका डायरेक्ट प्रेशर चला के दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ पर सनलाइट में हूँ, तो आपको थोड़ा अभी दिखाता हूँ। मैंने इसके अंदर कोई कलर नहीं डाला है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक ठाक प्रेशर है। अब यार, क्या होगा, समझ आया, इतना प्रेशर नहीं है यार, मैं बताऊंगा ना, तो भाई इतने में तो इतना ही मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो आप देख सकते हो, प्रेशर ठीक ठाक है। अगर आपको और प्रेशर करना हो उसके अंदर, तो थोड़ा सा एक दैनिक और जो पैन का जो कवर है, इसको थोड़ा पतली रोप कर ले लीजिए, जिससे और प्रेशर इसका हो जाए। तो प्रेशर ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा दूर से देखोगे तो ऐसा लगता है कोई बच्चा सू कर रहा हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा पास से दिखाऊँ तो कभी आपको लगे यार समर तूने कुछ प्रॉब्लम करी, नहीं यार ये पिचकारी है भाई, पिचकारी। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये अच्छा सा काम कर रहा है, और प्रेशर ठीक ठाक है, इतना कोई बेकार प्रेशर नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा बिल्कुल नया, आपको दिख रहा होगा पीछे का ग्रीन नहीं है, मैं मैदान में नहीं बना रहा। दोस्तों, मेन चीज़ है कि मैं अपना स्टूडियो तैयार कर रहा हूँ, जिससे फ्रेंड्स आपको बेटर क्वालिटी मिल सके वीडियो की। और दोस्तों, जल्दी आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे समर एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।